मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम बनाएंगे न्यू रेसिपी जो कि बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ समर में काम स्टार्ट होता है जो 15 से 20 दिन तक चलता है। बहुत सारी चीज़ें बना के रखते हैं हम ताकि हमें साल भर तक वो अच्छे से रह सके और इसे डब्बे में भर के हम पूरे साल तक खा सकते हैं। इसीलिए ये साबूदाना मैंने रात को भिगो कर रखा था। ये 1 किलो है और इसको मैंने 1 ही लीटर पानी में डाला है और अभी इसे नमक के साथ ही पकाएंगे बहुत अच्छे से। और कुछ ज़्यादा नहीं मिलाना हमें इसे, बस नमक डाल के ही पकाना है। आप चाहते हो तो उसमें तीखा भी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा भी करके देखो, कभी कभी नमकीन बहुत बढ़िया लगता है। तो बस इसे अभी पकाना है बहुत अच्छे से ताकि ये गाढ़ा होने तक अच्छे से पक जाए। और देखो इस तरीके से पकाना था और पक गया भी। और प्लास्टिक पे या किसी पे आप इसे ऐसे फैला सकते हो। मैंने इसको इसके नीचे मैं हर बार बताती हूँ कि कुछ भी सुखाने के लिए डालना हो तो पानी और तेल थोड़ा सा डाल के उसे अच्छे से लगाओ सब, और ताकि वो जब हम निकालने जाए तो आसानी से निकलते। ट्रिक के साथ बनाओ, कोई भी बनाओ, कुछ भी काम करो, ट्रिक के साथ करो, आसानी होती है काम में। और देखो अभी एक कितने आसान है ना, बस इतने से साबूदाने में बहुत सारे पापड़ बन जाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत ईजी है। आपने देखा ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, कोई भी बना सकता है इसे। और अभी समर स्टार्ट है और लॉकडाउन भी है हर जगह पे, तो घर में कुछ ना कुछ काम कर तो होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सालों से बनते आ रहे हैं ये सब और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और बहुत तेज़ धूप है अभी, तो धूप भी लग रही थी, लेकिन काम तो काम होता है, करना ही चाहिए। और इसे धूप ही चाहिए, नहीं तो ये बहुत परेशानी होती है। आपने देखा ना लास्ट वाले वीडियो में हमारे यहाँ पे बारिश हो गई थी तो कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है, अच्छी सी है। और इसे मैंने सुबह 11-12 बज गए होंगे अभी, तभी डाल रही हूँ। और ये मैं वोटे पे बना रही हूँ हमारे, और पास ही में हमारा खेत भी है तो यहाँ पे हम डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। और मेरे ऐसे करके आपसे बातें करते करते देखो मैंने पूरे फैला दिए। और ये बहुत इजी है बनाना भी और फैलाना भी और खाना भी, क्योंकि ये बस फ्राई करो और खाते रहो, बहुत मज़े से सब खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये व्रत में फास्ट में भी काम आते हैं और आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर बनाना और आपके साबूदाना पापड़ कैसे बने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह से हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे। आज ही हमारी यूट्यूब फैमिली 55,000 की हो गई है और मुझे बहुत सारी खुशी है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है दिन पे दिन। आप लोग भी कोशिश ज़रूर करना कि हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी बन जाए। और इतना सपोर्ट करने के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और इसे 2 दिन के बाद इस तरह से हमें फ्राई कर सकते हैं। और अभी देखो फ्राई करेंगे इसे, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि जो फ्राई होती है वो चीज़ें वो कभी कभी खानी चाहिए इसीलिए। और आप भी ज़रूर ट्राई करना, और कैसे बने आपके पापड़ क्रंची क्रिस्पी हमें ज़रूर बताना। और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसे हर कोई खा सकता है घर में, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और डब्बे भर भर के रखना घर में, साल भर आपको काम आएंगे। और हमने देखो फटाफट से तेल गरम कर चुका है और फ्राई भी कर लिए। और इसे आपको मैं आज में ही पकाना और फ्राई करना, क्योंकि ये ज़्यादा गरम तेल में लाल हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इसका कलर एकदम प्योर वाइट होना चाहिए इस तरह के से, और ये बहुत क्रिस्पी है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।